ये बंगाली मार्केट बोलते हैं इसको, बंगाली में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मच्छी उच्छी जैसे चावल उबल चाहिए तो सस्ता में मिलता है। देखिए सब्जी ये सब। इस शहर में आपको एक भी आदमी रोड पर नहीं दिखेगा। छोटा गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ कार लेके चलता है। आप देख सकते हैं एक भी आदमी क्यों नहीं दिख रहा है। मेन बात है कि यहाँ पर तो धूप बहुत है, ठीक है दोस्त, धूप बहुत है। और यहाँ पर जो है हर जगह जो है आदमी पैसा रहे या न रहे कार तो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं सुना हूँ कि कार जिसके पास होता है और जिसका बोलता है कि जिसके पास पढ़ा लिखा होना चाहिए तो ही शादी होता है, और उसको ड्राइवर होना चाहिए, एक कार होना चाहिए तो उस कपिल का शादी होता है किधर, ऐसा सुना हूँ। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, कहीं भी रोड पे आपको एक भी आदमी दिख रहा है। नज़ारा देखिए कैसा है। और ट्रैफिक तो देखिए लेफ्ट साइड में कितना ट्रैफिक है। ये बात है, यहाँ पर एक भी आदमी क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि टेम्परेचर, मैं जब से आया हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर जो है धूप यहाँ पर बहुत होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, 40-43 पहुँच जाता है, तो आदमी का क्या हाल होता होगा सोच लीजिए। इसी हिसाब से हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो है आदमी लोग पैदल नहीं चलता है, रोड पे देख रहे हैं ये साइड भी ज़्यादा आदमी आपको दिखता ही नहीं है। मेन बात यहाँ पर जो है आदमी लोग है भी, जनसंख्या कम है ना, ज़्यादा बाहर का ही आदमी लोग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। तो ये है रियाद का रोड, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर से कार मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए दोस्त, कितना अच्छा वीडियो बनाया बन गया, क्योंकि मैं मोबाइल जो है रख देता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो यार थोड़ा अपना कैमरा में कुछ अच्छा अच्छा रिकॉर्ड हो जाए। ये देखिए कितना जाम लगा हुआ, आदमी नहीं दिख रहा है, एक भी दिख नहीं रहा, आप देख सकते हैं दोस्त, एक भी आदमी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देख रहे हैं अपना इंडिया में, देखिए आदमी भरे पड़े हैं, जहाँ जाइए वहाँ पर रोड पे इधर से उधर भागता रहेगा, इधर से उधर भागता है। और यहाँ पर देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम शांत में। यही डर होता है आदमी का, यहाँ पर एक्सीडेंट होता भी है तो बच जाता है, समझ गए। और अपना सबका इंडिया में क्या होता है, तो इधर से उधर भाग जाता है आदमी लोग। देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है, यहाँ का रोड भी कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, कार सब भी वो VIP कार सब है पैसे। तो यहाँ पर भिखारी भी कार से घूमता है, समझ गए, यहाँ पर छोटा से छोटा आदमी लोग कार से घूमता है। देखिए आप, ये ब्रिज था ऊपर में, इसके ऊपर भी ऊपर ब्रिज है, देखिए आगे भी ब्रिज है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, जैसे कार ठुका जहाँ पर वहीं पर गाड़ी रोक देता है। ये मैं देखता हूँ रोड सब पे ना भाई, तो ये मुझे जो है यहाँ का चेंज हो जाता है। क्यों, आप जा रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे ठुक गया कार किसी का, तो आप लो भाई यहीं पे रुके रहो। आप रुके रहिए यहीं पे, वेट करते रहिए जब तक वो पुलिस नहीं आएगा, जो यहाँ का क्या मतलब सुरता बोलते हैं, जब तक वो नहीं आएगा दोस्त तब तक आप यहाँ से गाड़ी नहीं हिला सकते हैं, ठीक है। देखिए यही सब सिस्टम है, इसके लिए यहाँ पर जो है ज़्यादा थोड़ा ट्रैफिक होता है। और इंडिया जैसा ही है, एम्बुलेंस आएगा तो बाजू में उसका हॉर्न बजता रहता है और सब सुनता रहता है, साइड जल्दी नहीं मिलता रहता है, सेम वैसे ही। देख लीजिए कैसा है नज़ारा यहाँ का रोड का, ऐसे ही रोड मिलेगा। ये देखिए एक आदमी दिख रहा है यहाँ पे, वो भी बाहर का ही है काम करने वाला, वो बेचारा धूप में काम करने के लिए यहाँ पे रोड पे खड़ा है। इधर देखिए लेफ्ट साइड में काम चालू है, तो यही सब जो है बाहर का थोड़ा बहुत आदमी जो है दिखेगा, नहीं तो रोड पर आदमी एक आदमी नहीं दिखता रहता है, क्योंकि इतना धूप में कौन है कि। देखिए एक इधर दिख रहा आदमी, वो भी अपना बाहर का ही है, और एक आगे आदमी है, ये खजूर का गाछ सब देख लीजिए, अभी खजूर फरा हुआ है,
खाना है तो आ जाइए खाइए। खजूर ऐसे गिरा रहता है, देखिए यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है लेकिन ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर आदमी सब नहीं दिखता है। रोड का नज़ारा देखिए दोस्त, ऐसा नज़ारा वीडियो बना देता हूँ कि आने वाले समझ जावे एक बार में कि ऐसा रोड है वहाँ पे। ऊपर देख ही सकते हैं, ऊपर कैमरा लगा रहता है, जैसे आप स्पीड बढ़ाइएगा। ये रोड है 80 का, ठीक है, अगर आप 90 में चलेंगे तो फाइन मार देते हैं। देखिए स्पीड में जा रहा है, उसको हो सकता है कहीं कैमरा होगा तो मार देगा। इसकी वजह से आप जो है अपना लिमिट में चलिए, बोर्ड लगा रहेगा दोस्त, उसी हिसाब से चलिएगा। ये नहीं कि जहाँ 80 का स्पीड है, आप देखिए 90 का स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, तो हम 80 में ही चलेंगे क्योंकि अभी यहाँ से हम यू टर्न मारने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, ये मार्केट है, ये मार्केट हम क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर आए थे, यहाँ पर थोड़ा सब्जी उब्जी जैसे चावल दाल कुछ भी आप सामान घर खाता में काम करिएगा हाउस ड्राइवर में, तो सामान खरीदने आइएगा। तो एक बाथा मार्केट है और एक आलमुरूज है, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सस्ता में मिल जाता है, तो आप भी आइए और यहाँ पे सामान वामान खरीदिए। ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो आलमुरूज बोलता है, जैसे मच्छी लेना है तो 12 या 13 रियाल में आपको 1 किलो मच्छी मिल जाएगा, रोहू ये सब, भांगरा, हर रंग का मच्छी रहता है, डीप फ्रीज में रहता है, उतना अपना कटा हुआ तुरंत काटेगा वो सब नहीं देता है। तो ये सब यहाँ पर जो है रियाद में अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर सामान सस्ता मिलता है। अगर नया ड्राइवर हो तो आप नए रोड का देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, धूप भी है, इसके लिए मेरा मोबाइल में कैमरा में थोड़ा फ़ोटो अच्छा आ रहा, वीडियो अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर हम भी नए हैं तो हम भी लोकेशन से जा रहे हैं, तो आपको दिखा देते हैं मार्केट, आलमुरूज मार्केट यहाँ पर जो दिखा देते हैं, थोड़ा रुकिए।